हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में, बिकॉज आप में से काफी सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पर बार बार मैसेज करते रहते हैं कि अगर उनकी जॉब लगी और उनकी एक्स वाई जेड सैलरी है तो क्या ये सैलरी इनफ है, वहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है। तो इसलिए हमने सोचा हम इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाएं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो सारे एक्सपेंसेस जो कि अनअवॉइडेबल है यहाँ पे रहने के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब इसमें मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो। तो गाइस, दुबई में अपने स्पाउस को स्पॉन्सर करने के लिए मिनिमम सैलरी की रिक्वायरमेंट जो है वो है 4,000 दिरहम। तो मिनिमम आपकी सैलरी 4,000 दिरहम पर मंथ होनी चाहिए। तो गाइस, दुबई में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो 4,000 दिरहम में भी अपनी फैमिली को बुला के अच्छे से रह रहे हैं, और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो 40,000 दिरहम सैलरी कमाते हैं और उसके बाद भी हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि एक भी पैसा नहीं बचता। तो इट ऑल डिपेंड ऑन योर माइंड सेट। तो ऑब्वियसली दोनों के रहने के तरीके अलग हैं, मगर आप चाहें तो आप 4,000 दिरहम में भी अच्छे से रह सकते हैं, और आप चाहें तो 40,000-50,000 दिरहम कमा के भी हमेशा रोते रहेंगे और क्रिप करते रह सकते हैं। तो जो लोग पूछते हैं कि कितनी सैलरी दुबई में रहने के लिए अच्छी है या सफिशिएंट है, तो ये चीज़ बहुत ही सब्जेक्टिव है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रायोरिटीज़ इन लाइफ कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले खर्चे की, जो कि है रेंट, जो कि बिल्कुल भी अनअवॉइडेबल है। लेट्स अज्यूम कि आप एक कपल हैं या फिर आप एक कपल हैं, आपके पास में एक छोटा बच्चा है, तो आपके लिए एक 1 BHK इनफ होगा, मोर देन इनफ होगा यहाँ पे रहने के लिए। तो दुबई में आपको 1 BHK 40,000-45,000 दिरहम में मिल जाएगा एनुअल रेंट पे। और अगर आप किसी और बेहतर जगह पे रह रहे हो जो कि बहुत ही पॉश है, डाउनटाउन है, तो 70,000-90,000 दिरहम आप उसको मांग सकते हैं। लेकिन वहीं पे कुछ एरियाज हैं जैसे शारजा और अजमान, जहाँ पे आपको इससे भी सस्ते में घर मिल जाएंगे, जो कि ऑलमोस्ट आपको 15,000-20,000 या फिर 30,000 दिरहम में आपको 1 BHK आसानी से मिल जाएगा। बट वो दुबई में एरियाज नहीं है, वो डिफरेंट एमिरेट्स हैं। तो जैसे काफ़ी लोग गुड़गांव जॉब करते हैं, दिल्ली रहते हैं, तो ऐसे काफ़ी सारे लोग दुबई में जॉब करते हैं और शारजा रहते हैं और रोज़ अप डाउन करते हैं, तो उनको 1 hour 1 way लगता है ट्रैवल करने का, तो वो लोग इजीली कम्यूट कर लेते हैं एवरी डे। और अगर आप अजमान चले जाएंगे तो वो शारजा के भी आगे है और वो और भी ज़्यादा सस्ता है, वहाँ पर आपको 15,000-20,000 दिरहम में ईजिली मिल जाएगा। अब बात करते हैं घर से ही रिलेटेड दूसरे खर्चे की, जो कि हुआ यूटिलिटीज़ बिल। तो अगर आप घर पे रह रहे हैं, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कंज्यूम करेंगे। दुबई में दीवा नाम से जो कंपनी है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई करती है। तो दुबई में जो दीवा का नॉर्मल एक्सपेंस होगा वो ऑन एन एवरेज 300-700 दिरहम होगा, डिपेंडिंग ऑन द सीज़न ऑल्सो। कि गर्मियों में अगर आप एसी कंज्यूम कर रहे हैं तो हो सकता है आपका बिल 700 दिरहम से भी ऊपर आ सकता है। तो गाइज, यहाँ पर क्योंकि मोस्टली घरों में सब में सेंट्रलाइज्ड एसी होता है, तो इसलिए अगर आप ज़्यादा एसी चला के रखेंगे तो आपका बिल ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा। और यहाँ पर कई सारी ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं जो कि चिलर फ्री होती हैं, जहाँ पर एसी का बिल नहीं आता, तो सिर्फ आप जो लाइट्स वगैरह यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ उसका ही बिल आएगा, तो वो बिल बहुत ही सस्ता होता है। उसमें मोस्टली वाटर का ही बिल होता है और इलेक्ट्रिसिटी के नाम पर बहुत ही कम, आई थिंक 50-100 दिरहम ही आपका बिल आएगा। यहाँ पर कुकिंग के लिए दो तरह के कुकिंग रेंज होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल और एक गैस वाला। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल यूज़ कर रहे हैं तो आपका दीवा में ही उसका बिल आएगा, आपको कोई सेपरेट गैस का बिल नहीं आएगा। बट अगर आप गैस वाला अपना कुकिंग रेंज यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो जो गैस की पाइपलाइन होती है सेंट्रलाइज्ड, आप वो यूज़ कर रहे हैं, जिसका आपका मंथली बिल अराउंड 90-100 दिरहम आएगा। और अगर आप सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं तो आपको वो सिलेंडर, एक सिलेंडर 60 दिरहम का पड़ेगा, जो कि आपका 1.5 से 2 महीना चल जाता है। तो वैसे कंपैरेटिवली सिलेंडर सस्ता पड़ता है, और जो सेंट्रलाइज्ड गैस होती है पाइपलाइन, वो थोड़ी सी 20-30 दिरहम महंगी पड़ती है। और अगर आप इलेक्ट्रिकल यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका दीवा का एक्सपेंस हाई होगा। अब दूसरे एक्सपेंस की बात करते हैं, वाईफाई। तो यहाँ पे दो कंपनीज हैं, एतिसलात और डू, जिसके थ्रू आपको हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिलता है, जिसका खर्चा आपको 300-500 दिरहम का होगा, जो डिपेंडिंग ऑन योर प्लान कि आप कितनी स्पीड का प्लान ले रहे हैं। तो उसी प्लान में आपको ब्रॉडबैंड भी मिल जाएगा और साथ में आपको बेसिक टीवी कनेक्शन, केबल कनेक्शन भी मिल जाएगा, और उसी कनेक्शन में आपको साथ में एक लैंडलाइन फ़ोन भी मिलता है, बिकॉज UAE में लैंडलाइन टू लैंडलाइन कॉल्स फ्री होती हैं। तो अगर आप उसको सिर्फ लैंडलाइन पे कॉल करने के लिए यूज़ करेंगे तो आपका उसमें कोई सेपरेट बिल नहीं आएगा, बट अगर आप उससे अदर नंबर्स पे भी कॉल करते हैं, मोबाइल्स पे या दूसरे नंबर्स पे, तो फिर आपका उसका भी सेपरेट बिल आएगा।
अब अगले एक्सपेंस की बात करते हैं, मोबाइल एक्सपेंस। तो अगर आप यहाँ पर मोबाइल कनेक्शन लेते हैं तो आप दू और एतिसरात से कनेक्शन ले सकते हैं। मोबाइल बिल बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है, बट अगर आप एक एवरेज यूज़र हैं तो आप प्रीपेड कनेक्शन से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपके पास में प्रीपेड कनेक्शन है तो आप 25 दरम से 50 दरम का नॉर्मल एक्सपेंस लेके चल सकते हैं। प्रीपेड में भी काफ़ी डिफरेंट प्लान्स होते हैं, जैसे कि एक कॉम्बो प्लान होगा जिसमें आपको डेटा और कॉल्स दोनों ही मिल जाती है। और अगर आपको पोस्टपेड कनेक्शन लेना है तो आप 150 से 200 दरम का एक्सपेंस मान के चल सकते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं ग्रोसरी बिल की। तो हमने ग्रोसरी के ऊपर एक पूरा डिटेल में वीडियो बनाया था कि जब हम यहाँ नए नए मूव हुए थे तब हमारा ग्रोसरी का बिल कितना आता था एज न्यू इमिग्रेंट, और अब जब हम यहाँ पर सेटल हो चुके हैं तो हमारा ग्रोसरी का बिल कितना आता है। तो आप चाहें तो आप वो वीडियो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं उसको डिटेल में समझने के लिए। तो अगर आप एक कपल हैं और आप एक नॉर्मल ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं, यानी कि बहुत कुछ ऑर्गेनिक और बहुत फैंसी और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स नहीं खाते हैं, बाय करते हैं, तो आपका ऑन एन एवरेज ग्रोसरी बिल होगा 1000 से 1500 दरम के बीच। तो बात करते हैं एजुकेशन की। अगर आपके बच्चे हैं और आपको उनको स्कूल भेजना है तो उनकी फ़ीस ऑलमोस्ट 1000 से 1500 दरम ऑन एन एवरेज पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स हैं, जैसे कि इंडियन, ब्रिटिश, अमेरिकन, कैनेडियन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑस्ट्रेलियन। तो नॉर्मली बिल, नॉर्मली जो उनकी फ़ीस होती है एजुकेशन की, वो 1000 से 5000 दरम के बीच में होती है पर मंथ। तो क्योंकि स्कूल्स की बहुत डिफरेंट रेंज है तो फीस स्ट्रक्चर भी बहुत वेरी करता है, तो डिपेंड्स कि आप अपने बच्चों को किस टाइप के स्कूल में भेजना चाहते हैं। तो बट मोस्टली इंडियन जो है, अगर आप इंडियन स्कूल में भेजेंगे अपने बच्चों को तो 1000 से 1500 दरम आपकी पर मंथ फीस होगी बच्चे के स्कूल की। तो आप बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की। तो अगर आप न्यू इमिग्रेंट हैं यहाँ पर तो और आपके फैमिली में से कोई एक बंदा काम करता है, ऑफिस जाता है, तो उस केस में आपने नॉल कार्ड ले लिया 350 दरम का, जो कि मंथली होता है अनलिमिटेड ट्रैवल के लिए। तो उसमें आप बसेस और मेट्रो में अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हैं यहाँ पर। और उसके अलावा आप प्रीपेड कार्ड भी ले सकते हैं, नॉल कार्ड। तो अगर आपको वीकेंड्स में ट्रैवल करना है तो आप उसके थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं। तो आप ओवरऑल 500 दिरहम ऑन एन एवरेज का एक्सपेंस ले सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और अगर आपके पास में यहाँ पर कार है तो उस केस में आपका जो डेली का जो खर्चा होगा वो फ्यूल का होगा। तो यहाँ पे फ्यूल के प्राइसेस भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर राइट नाउ 3.62 दिरहम है पर लीटर स्पेशल पेट्रोल का। तो उस केस में अगर आपका ऑफिस दुबई में है और आप दुबई में ही रहते हैं और आप कार यूज़ कर रहे हैं ट्रैवल करने के लिए, तो आप 800 दरम के आसपास एवरेज प्राइस दे सकते हैं आपका फ्यूल का प्राइस। तो गाइज अब बात करते हैं डाइन आउट के। अगर आप यहाँ पर रहते हैं तो ऑब्वियसली वीकेंड्स पे आप बाहर भी जाएंगे खाने के लिए, तो डिपेंड्स कि आप किस टाइप की जगह जाते हैं। आप बहुत हाई एंड रेस्टोरेंट जाते हैं फाइन डाइनिंग के लिए या नॉर्मल ऐसे देसी खाने के लिए, तो यहाँ पर बहुत सारी रेंजेज हैं रेस्टोरेंट की, कैफेज़ की। तो गाइज वीकेंड पे डिपेंड्स कि आपकी एक दिन छुट्टी होती है या दो दिन, और आप एक दिन बाहर जाते हैं या दोनों दिन बाहर से खाना खाते हैं, तो आपका एक दिन का वीकेंड का एक्सपेंस ऑन एन एवरेज 100 दरम होगा। और अगर आप किसी बहुत ज़्यादा फाइन डाइनिंग और फैंसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो 200 दरम भी हो सकता है। गाइस अगर आप दुबई काम करने के लिए आ रहे हैं, जॉब पे आ रहे हैं, तो प्लीज़ घर के अंदर मत बैठे, क्योंकि इस दुबई में बाहर से लोग आते हैं घूमने के लिए। तो वीकेंड्स पे बाहर निकले, एंजॉय करें, पैसे स्पेंड करें, पैसे मत बचाएं, क्योंकि आप रिग्रेट करेंगे अगर आप यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे जगहों पर नहीं गए, अच्छा खाना नहीं खाया और आपने पैसे नहीं उड़ाए। बट उसके चक्कर में ये भी ना हो कि आप ओवर बजट चले जाएं और आप कोई भी सेविंग्स ना करें और आप अपनी सारी सैलरी बाहर खाने में और शॉपिंग में इन सब में उड़ा दें। हमारे कहने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है, बट ये कि एक बैलेंस्ड लाइफ रखें, अपनी सेविंग्स भी करें और अच्छे से यहाँ पर लाइफ जिए, इंजॉय करें, वीकेंड्स पर बाहर जाएं, पैसे स्पेंड करें, खुश रहें। और गाइज अगर हाउस हेल्प की बात की जाए तो उसमें भी दो तीन कैटेगरीज होती हैं कि अगर आपको पर आर के लिए चाहिए हाउस हेल्प, तो यहाँ पर काफ़ी सारी एजेंसीज होती हैं जो मेड्स प्रोवाइड कराती हैं पर आर के हिसाब से। तो अगर आपको हफ्ते में एक बार, दो बार, तीन बार, तो वो 25, 30, 35 दरम पर आर का चार्ज करते हैं।
बट अगर आपको डेली के लिए चाहिए, जैसे हम लोगों के इंडिया के घरों में होता है कि आती है हाउस हेल्प और सारा काम करके चली जाती है, तो उसके लिए आपको 800 to 1000 दिरहम पे करने होंगे मंथली। और अगर आपको लिव इन हाउस हेल्प चाहिए जो कि आपके घर में ही रहे और घर के सारे काम संभाले, फुल टाइम आपके साथ हो, तो उसकी जो सैलरी है वो वैरी करती है, 1500 दरम से 2500 दरम आप मान सकते हैं, जिसमें कि काफ़ी सारे एक्सपेंसेस आपको बेयर करने पड़ेंगे अपार्ट फ्रॉम द सैलरी, और उसका रहना खाना पीना सब कुछ आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। और एजेंसी टू एजेंसी डिपेंड करता है, आपको एजेंसी को भी कमीशन देना पड़ेगा, और भी उसके साथ बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं कि और आपको उसका वीज़ा स्पॉन्सर करना है या एजेंसी का वीज़ा है या मेट का खुद का वीज़ा है, तो बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जिसके ऊपर हम शायद बाद में कभी डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो गाइस, अब तो जो हमने आपको बताया उसके हिसाब से आपका मिनिमम कॉस्ट ऑफ लिविंग 8000 दिरहम होगा, बट ये एक्सपेंसेस आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से कम भी हो सकते हैं या ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये थे आपके सारे मंथली एक्सपेंसेस जो आपने अभी तक देखे हैं स्क्रीन के ऊपर में। और गाइस, बहुत लंबी लिस्ट थी खर्चों की, बट इस वीडियो में हमने सिर्फ जो बहुत इंपॉर्टेंट और अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस हैं सिर्फ वो शेयर करें, वरना तो खर्चों ये तो यहाँ पर बहुत हैं, एंड डिपेंड्स कि आप किस तरह का लाइफस्टाइल जीते हैं, तो फिर अनलिमिटेड आपके खर्चे हो सकते हैं। बट इस वीडियो में हमने जो इम्पॉर्टेंट है सर्वाइव करने के लिए यहाँ पर, उन्हीं को शेयर करा है। और मेक श्योर कि आप यहाँ पे आते हैं तो सेव भी करें, ऐसा ना कि बस अपने सारे खर्चे ही गिनाते रहें और सारे पैसे उड़ा दें, तो अपना हाथ रोक कर भी चलें और जहाँ चाहें वहाँ पे सेव करें, बिकॉज दुबई टैक्स फ्री इनकम के लिए जाना जाता है और दुनिया भर की हर कंट्री से लोग यहाँ पर टैक्स फ्री इनकम के लिए आते हैं। तो डू सेव अ लॉट ऑफ मनी इफ़ यू कम हेयर। और अब उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी, और बाकी आप खुद जज कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से कि आपका मंथली एक्सपेंस कितना होगा और आपको जो सैलरी ऑफ़र की जा रही है वो आपके लिए सही है या नहीं। तो वी होप कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के थ्रू मिल गए होंगे। तो ये वाली वीडियो पसंद है उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें, और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।